पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम फर्स्ट टाइम द न्यू गेम खेलेंगे, दैट इज फौजी। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि फौजी क्या होता है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि फौजी एक इंडियन मेड पबजी का ऑल्टरनेटिव गेम है जो आफ्टर पबजी बैन बनाने के लिए डिसाइड किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि ये फौजी क्या गेम है और इसमें मतलब नया क्या है और ये नया क्या आने वाला है इन फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं। और ये शायद से हम लोग को ट्रेनिंग हम लोग को हो रहा है। यूज द डीप पार्ट टू नेविगेट अराउंड। अच्छा, ये हम लोग ऊपर जा सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे मूव कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इधर आना है। इधर के कौन आ रहा है, क्या करना है? यूज द अटैक बटन टू डील विद द डैमेज टू एनिमीज। अच्छा, इसको मान लो, इसको मान लो। अच्छा अच्छा, मारो 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 मारो, पीछे 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 मार, पीछे मार, पीछे मार, पीछे मार। इसका अटैक, अरे बाप रे, स्लो मोशन में एनिमी मर रहा है। अच्छा, ऐसे डिफेंस भी कर सकते हैं हम। पीछे नहीं, पीछे नहीं, चलो मारो इसको। 16 का डैमेज, 12 का डैमेज, 14 का, अरे बाप रे, कुंग फू पांडा। अरे थे, गुड गुड गुड। चलो सामने चलते हैं। उसके बाद इधर सामने आके क्या करेंगे, रेस्ट नियर द फायर प्लेस टू रीजनरेट हेल्थ एंड स्टैमिना। हम लोग यहाँ पे मतलब फायर प्लेस के सामने आके हम लोग स्टैमिना रीजनरेट कर सकते हैं। चलो हम फायर प्लेस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फायर प्लेस की ओर बढ़ के यहाँ पे अगर हम बैठ जाएंगे तो हम लोग का शायद से हेल्थ रिकवर हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों का हेल्थ ऑलरेडी थोड़ा कम था क्योंकि जो आपने वो वाला स्टोरी देखा तो स्टोरी का बिगिनिंग ही ये था। चलो हम अब इधर से जाते हैं। इधर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है यहाँ? अच्छा, यहाँ पे गन्स क्रेट पड़े हैं। ठीक है ठीक है, गन्स का भी यहाँ पे शायद नहीं होंगे। यहाँ पे ऊपर जाएंगे उसके, एक सेकेंड, ये क्या गिरा हुआ है? पिकअप द वेपन। अच्छा ठीक है, वेपन। अच्छा, ये वेपन हो गया हम लोगों का। चलो सामने चलते हैं। अच्छा, ये शायद से हम लोग जिन लोगों को मारने वो शायद से टेररिस्ट है। अच्छा, इन टेररिस्ट को हम ऐसे मार सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो मारो 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 मारो। अच्छा, हथौड़ी से मार सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये लोग जो हथौड़ी ड्रॉप करेंगे इससे भी मार सकते हैं। अच्छा अच्छा, 44 का डैमेज, नाइस, 43 का डैमेज। अच्छा, और एक हम लोग को वेपन मिल चुका है। और ये हम लोगों का और एक टेररिस्ट आ रहा है सामने से, मारो मारो मारो। ये ऑलमोस्ट ही असैसिन क्रीड की टाइप का गेम है, मतलब अभी तो वैसा ही लग रहा है। अब जनरली मैंने जितना सुना था कि अच्छा, ट्रेनिंग सक्सेस, ग्रेड एस, वेल डन, इनपुट 20 डैमेज, ड्यूल 9, गुड, टाइम टेकन 2 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे लोड आउट ऑनर रोड, यहाँ पे 1920। अच्छा, लक्कार क्लब। अच्छा, यू हैव एक्वायर्ड लक्कार क्लब, अभी अब ये मिल चुका है हम लोग को। अच्छा ठीक है, चलो हम दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ वो शायद से ट्रेनिंग था, अब हम लोग को ट्रेनिंग को माना है। और जो मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट ये असैसिन क्रीड टाइप का गेम लग रहा है अभी तक तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे ये तो मुझे असैसिन क्रीड टाइप का गेम लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि और मैंने ये भी सुना था कि ये पबजी मतलब पबजी की तरह ही होगा, मतलब जनरली हम लोग ऐसे दोस्त लोगों के साथ भी खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर में, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, वो अपडेट में शायद से आएगा। ये तो अभी लॉन्च हुआ है तो इसीलिए ये हम लोग को अभी टेररिस्ट को ऐसे ट्रेनिंग पीरियड हम लोग को खेल के ऐसे टेररिस्ट को हम लोग को मारना है। चलो, मैंने पीछे वाले एनिमीज को तो ढेर कर दिया, हेल्थ इज ऑलरेडी फुल, हमें हेल्थ को जरूरत नहीं है। कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? अरे बाप रे, हिंदी में बात कर रहा है। मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस अच्छा, घर भेज देंगे। हिंदी में बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं, हिंदी में बात कर रहा है। राइट, मतलब ये मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूं कि ये पूरा इंडिया मेड गेम है,
ये शायद से हैदराबाद या बेंगलुरु से किसी एक गेमिंग कंपनी ने बनाया है, और इसका मतलब इंडस्ट्री या कुछ ऐसा ब्रांड नंबर है मुझे पता नहीं ठीक से, ये उनका ब्रांड नंबर है, ये इन्वेस्टर अक्षय कुमार है जो आप लोगों को मतलब ये गेम जिसने लॉन्च किया है, मैंने जितना सुना है कि ये उनका इन्वेस्टर या कुछ ऐसे अक्षय कुमार है। चलो ये यानी भी ढेर हो गए, इधर हम लोग पहले हेल्थ अपना फुल कर लेते हैं। मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं, तो हो जाए। चलो हम लोग का हेल्थ भी रिकवर हो चुका है, और यहाँ पे जाएंगे हम सीधा यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं जा सकते ना, तो हम लोग यहाँ से सामने चलते। चलो नेक्स्ट चेक पॉइंट भी 113 मीटर का दिखा रहा है अभी। चलो 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 चलो, चलो, चलो। मार घुसा एक, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अच्छा ये हम लोग टेररिस्ट को भी मार रहे हैं। आजा तीन, तुम कायरों ने मेरे आदमियों को, अच्छा इन कायरों ने मेरे आदमी को कहाँ छिपा रखा है। देखो ये लोग हिंदी में बात कर रहे हैं अभी तक। चलो मारो 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 मारो, ये थोड़े अलग टेररिस्ट है जो, अच्छा ये अलग टेररिस्ट है और ये अलग टेररिस्ट है। मारो मार, अच्छा चलो इसको भी ढेर कर दिया, इसको भी 15-17 का डैमेज और 18 का डैमेज, 19 का डैमेज। चलो जो कोने में, चलो ढेर, ये भी खत्म हो गया। और 30 मीटर के बाद और एक चेक पॉइंट है हम लोगों का। कायरो तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते, शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। चलो इधर भी एक चेक पॉइंट है, और इन लोगों को भी यहाँ पे ढेर कर दूंगा मैं यहाँ पे। चलो मारो लात, मारो लात, मारो, हाँ ये तो आ गया, क्या ये जैसे घुमा के लात मारता नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है बल्कि। मार मार, अबे बाप रे बाप, हाँ चलो एक लात में स्लो मोशन में ढेर, ये भी शायद ढेर हो जाएगा, ये भी ढेर हो जाएगा दो मिनट, हाँ ये घुसा में ढेर स्लो मोशन में, ये 15 स्लो, ये 10 का डैमेज, ये भी ढेर, अभी होने ही वाला है, होने वाला है, हाँ चलो ये ढेर 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 हो गया, ढेर हो गया, हाँ अब आया था लाइन पे यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं नहीं यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 30 मिनट के बाद और एक, आ जाओ दोनों सबको ढेर कर दूंगा, आ जाओ। देखो हम इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी कभी भी सामने पीछे नहीं हटता है। मार 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 मार, मारो 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 मारो, कोपचे में लेके जाके मारो, जाओ मारो 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 मारो, अबे पीछे से नहीं, पीछे से नहीं, एक तो एक अकेला सैनिक को मार रहे हो, चार चार मिलके अकेला सैनिक को मार रहे हो, दम नहीं है इसीलिए चार चार लेके आ रहे हो, उसको आग में घुसा के मार दो, इधर 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 रुको रुको, इसको आग में घुसा के मारूंगा, इसको आग में घुसा के मारूंगा, आ जा जा जा, सिनेमैटिक शॉट्स हो गया ये वाला। चलो ये हो गया, इसको थोड़ा हेल्थ फुल कर लेते इधर पहले हम लोग, क्योंकि हेल्थ भी फुल करने, हम लोग हेल्थ भी फुल करना चाहिए। चलो हम लोगों का हेल्थ फुल हो चुका है, और अभी हम हमारे पास इधर क्या, एक सेकेंड, ये वेपन्स क्रेड है, अभी वेपन्स तो नहीं हो गए, और हमारे पास सिर्फ हाथ के लिए हथियार है, बच कहाँ फट गया, हाँ जी हम लोग के, जब मैं बता रहा कि हम लोग के पास सिर्फ हाथ के लिए हथियार है, ये कुछ तो लक्कर लालकर या कुछ तो नाम था इसका, पूरा नहीं छोड़ता, बॉर्डर अब नजदीक, बॉर्डर अब नजदीक है, मेरे साथ ही ज्यादा दूर नहीं होंगे, हाँ अब आए ना लाइन पे, आ जा आ जा आ जा, नहीं नहीं इनको तो मैं हाथ से घेर कर लूंगा, इनको तलवार या कुछ ही और से मारने की जरूरत नहीं है, इनको मैं हाथ से ही ढेर कर दूंगा, पीछे मारो पीछे मारो, हाँ शाबाश 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 शाबाश, हाँ मारो 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 शाबाश, हाँ खत्म 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 खत्म, इन लोगों के पास मतलब कोयला नहीं है,
बॉडी में कोयला होगा तभी ना कोयला इंजन रन करेगा, कोयला नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग ज़्यादा चौर में आके आ तो जाते हैं देखोगे, लेकिन है नहीं कुछ इनके पास। चलो छोड़। अच्छा मैं अपने साथियों को निराश। अच्छा बेटा सलवार लेके आओगे, ये लो मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मिल गया ना। अब हटो हटो, मेरे पास भी है, हट जा हट जा जब। मेरे भाइयों तुम जहाँ भी हो बस भाग के मारूंगा। देखो तुम्हारे पास तलवार है, मैं भाग के मार के तुम लोगों को दिखा देता हूँ हम लोगों को औकात क्या है इंडियन आर्मी का। मारो अब। नहीं 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 नहीं, दो जन नहीं, एक साथ नहीं। पहले मैं एक जन को खत्म कर देता हूँ। ये पीछे वाला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये पीछे वाला को ऑलमोस्ट खत्म कर देता हूँ। इसको पहले उठा लेता हूँ। हाँ उठा ले बस। एक तलवार में ढेर हो जाएगा, एक तलवार की औकात नहीं हम लोगों से लड़ने आए इंडियन आर्मी से। भागे से चलो, हम लोग का हेल्थ भी रिकवर हो चुका है और हम लोग को दूसरे चेक पॉइंट की ओर बढ़ना है जो कि है 74 मीटर्स के बाद। और उसके बाद ये एक स्टोरी आ गया, क्या लिख रहा है? एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है, ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक पूरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह जल्दी टेंट से बच निकले। इसीलिए हम लोग रात रात तक चैट करते हैं। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। तो मुझे अभी स्टोरी का सीन पता चला है कि जो ये कैरेक्टर है जो जिसको हम लेके मार रहे जिस दूसरे टेररिस्ट को, उसका नाम लेफ्टिनेंट सिंह है। और ये जो है वो मतलब एनिमी की और बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है और बॉर्डर में उधर अंदर इंडियन आर्मी के कुछ जवान को फंसाया दिया गया है और इधर ये लेफ्टिनेंट सिंह। और एक कुछ स्टोरी में बताया गया लेफ्टिनेंट सिंह किसी को बचाने गया है जिसका नाम रवि है। और उधर उस रवि ने कहा कि इधर मत आना, इधर आप लोग आप आगे ठीक नहीं किए, यहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं और मेरे को बहुत मार चुके हैं, यहाँ पे रवि को बेहोश भी कर चुके हैं। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट सिंह कहते हैं मैं किसी को जाके यहाँ मैं किसी को फेंक के यहाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ और मैं तुमको यहाँ पे यहाँ से लेके जाऊँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे रवि कहते हैं कि सर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और दूसरे लोगों की मदद कीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ सर। तो लेकिन यह लेफ्टिनेंट सिंह कहते हैं लेकिन नहीं, मैं आपको तुमको साथ लेके जाऊंगा। तो चले आप तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तो ठीक है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक लगता है आ चुके हैं यहाँ पे टेररिस्ट और तलवार से इन लोगों को पिटाई शुरू हो चुकी है। तीन तलवार में ये ढेर हो चुके हैं, एक दो तीन चार और एक पांच तलवार में ढेर। चलो इसको भी देख लेते हैं, एक दो तीन चार और पांच, ये ढेर नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, सबको मार खाने का मौका मिलेगा। चलो चलो ढेर, ये ढेर हो गया। पीछे कोई नहीं है ना, ये पीछे तो कोई नहीं है अभी तक। चलो ये ढेर हो चुका है, अब इतने सारे। लेकिन नहीं, इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटेगा, इसको मारो 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 मारो, बस 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 बस।
पिटाई शुरू हो चुकी है। पीछे पीछे रुको 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 रुको, सबको मार खाने का मौका मिलेगा। रुको 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 रुको, पहले इन लोगों को मार देता हूँ। बस 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 बस, अच्छा जो टेररिस्ट है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इन लोगों में एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक आखिरी कोशिश। अच्छा ठीक है, ये लोग हम लोग को मार देंगे। अबे ये मार दिया, चलो ठीक है, हम लोग को ये दोबारा से मौका मिला जाएगा और ये हम लोग मिशन पार करके रहेंगे। क्योंकि गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं वापस से रिस्पॉन हो चुका हूँ, और ये तो स्टोरी में देख सकते हैं मैं इसको स्किप कर देता हूँ और इधर फिर से जरूर साथ से और लोगों को मैं मार दूंगा। रुको रुको, वेपन निकाल के मारता हूँ। रुको 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 रुको, पहले इसको हाथ से मार देता हूँ, उसके बाद इस पीछे को वेपन निकाल के मारूंगा। हाँ रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ बस 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 बस, चलो एक दिन देर हो गया। मार देते मार देते, चलो 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 चलो, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अरे 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 अरे, एक एक जन एक जन एक जन एक जन एक जन एक जन, सब एक साथ मत। हाँ शाबाश 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 शाबाश। हाँ चलो अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और जो जो आ रहे हैं उन लोगों को पहले मार के पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, सबको कोपते में ढुका के मारूंगा। आ जा आ जा आ जा, बस बस 29 का डैमेज। हाँ चलो तलवार निकाल के मारेंगे, चलो 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 चलो। हाँ 28 का डैमेज, देखो देखो पूरा देखो, इतना मार खाते हो फिर भी लाज शर्म कुछ नहीं है ना, इतना मार खाते हो। हाँ भाई मारो 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 इसको मारो, ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ये भी मार मार। हाँ बस 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 बस, हाँ ऊपर जाके वेपन के ऊपर चलेगा, ऊपर जाके मारेंगे। चलो एक तलवार और एक मिल गया, ये भी मिल गया। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिप कर नहीं रह सकते, इतने सारे एक साथ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक एक करके आप सबको मार खाने का मौका मिलेगा। चलो इसको भी 5 डैमेज में मिल जाएगा, इसको भी 5 डैमेज में ढेर कर देंगे। चलो ये ढेर हो गया, इसको भी ढेर कर देंगे, ये ढेर। देखो ग्राफिक्स, देखो मुझे इस गेम का ना अभी तो ग्राफिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस ग्राफिक्स में जनरली इस ग्राफिक्स में मिलता नहीं है, लेकिन इस ग्राफिक्स का मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि ग्राफिक्स। तो हाथ से ही ढेर कर देंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये पीछे पीछे वाला ज्यादा चौड़ा हो रहा है, पीछे 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 पीछे, पीछे, पीछे। इसको मार दे जरा, ये ज्यादा चौड़ा हो रहा था। यार पीछे से इतने सारे नहीं मारने चाहिए थे। तो कि गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये फौजी का छोटा सा गेम प्ले वीडियो था, क्योंकि यही कंटिन्यू हो रहा है। मैंने खेल के भी देखा, यही हम लोग को टेररिस्ट को मारना है, और ये टेररिस्ट को मार के हम लोग को कुछ मतलब रिवॉर्ड्स तो नहीं मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे इसका अपडेट भी आने जाएगा, वो ये अपडेट में हम लोग अपने मल्टीप्लेयर अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, या फिर हम लोग पड़ोस के या जो जिसके साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी वो अनलॉक नहीं हुआ क्योंकि वो शायद से अभी डेवलपिंग में है। तो मुझे ये मतलब जो कैंपेन है इसका तो अच्छी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया गेम है, और ये आप लोगों को शायद से नहीं, अब ये आप लोगों को जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि ये पबजी की तरह ही है, एकदम पूरे पबजी है। ये मुझे कैंपेन की बुरी बात ये लगी कि मतलब ये कोई कुछ स्पेशलिटी नहीं, हम लोग एक ही तरह के एनिमी मारे जा रहे हैं और कुछ स्पेशलिटी नहीं है, बस यही मुझे एक बात बुरी लगी। बस बाकी मतलब तो इस गेम में कोई बुराई नहीं है, मैंने कोई बग्स नहीं ढूंढे, या फिर मैंने कोई ग्राफिक्स में एरर नहीं ढूंढे, या फिर ऐसे कुछ मतलब एरर नहीं ढूंढे। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, बाय बाय। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go.